पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बेनिफिशियरी स्टेटस में नया अपडेट आ चुका है। बहुत सारे किसानों को ये अपडेट बेनिफिशियरी स्टेटस में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अभी अपना स्टेटस चेक करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे किसानों के पीएफएमएस बैंक स्टेटस के अंदर अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से अपना स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर आपको पीएफएमएस बैंक स्टेटस के आगे इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। और आपका पेमेंट मोड, बहुत सारे किसानों का अकाउंट है, लगभग का अकाउंट है, बहुत सारे किसानों का पेमेंट मोड आधार है, फिर भी यहाँ पर अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है पीएफएमएस बैंक स्टेटस के आगे। तो पूरी जानकारी लेंगे, वीडियो अंत तक जरूर देखना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका सब्सक्राइब का कुछ भी नहीं लगता है। फिर यहाँ पर हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पर आना है। यहाँ पर आपको अपना बेनिफिशियरी स्टेटस का जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो बेनिफिशियरी स्टेटस का ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर में यूज करना है और अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा। और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखा रखा है, इसे न्यू टैब में ओपन करना है। न्यू टैब यहाँ पर आप देख सकते हैं ओपन हो चुका है नीचे। अब इसे यहाँ पर कैप्चा देख कर, यहाँ पर ये कैप्चा है, इसे देख लीजिए और यहाँ पर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जो गेट डाटा का ऑप्शन दिखा रखा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर जो आपको गेट डाटा वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो जाएगा। और बेनिफिशियरी स्टेटस में जो मेन चीज़ आपको देखनी है, आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको अपना पेमेंट मोड देखना है। जैसा कि यहाँ पर आप अपना पेमेंट मोड देख सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपका पीएफएमएस बैंक स्टेटस देख सकते हैं। ये सभी लगभग किसानों का इस तरह का अपडेट अभी शो कर रहा है। जिनका पहले से पेमेंट मोड आधार हो चुका था, सब कुछ पहले से सही था, उनको ये अपडेट नहीं देखने को मिल रहा है। जिनका यहाँ पर पहले पेमेंट मोड अकाउंट था, उन सभी किसान भाइयों को इस तरह का अभी प्रॉब्लम आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा हुआ अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जिन किसान भाइयों का पेमेंट मोड अकाउंट है, उन सभी किसानों के अकाउंट की जांच चल रही है। जैसे ही जांच पूरी हो जाती है, उस समय यहाँ पर आपका पीएफएमएस बैंक स्टेटस एक्सेप्ट रिजेक्ट पेंडिंग इस तरह से शो करेगा और आपका पेमेंट मोड अगर सही होगा तो अकाउंट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी किसान भाइयों को एक काम करना होगा। तो सबसे पहले अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में सभी किसान भाइयों को जो मैं काम बता रहा हूँ वो फॉलो करना है। उसके बाद ही आपका यहाँ पर जो अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है वो हटेगा। तो इसके सुधार के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में गूगल में जाकर सर्च करना है। यहाँ पर आपको सर्च बार में डीबीटी सर्च करना है। डीबीटी आप जैसे सर्च करोगे तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस देखेगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, यानी जो भी सरकारी योजनाओं का पैसा मिलता है उसे हम डीबीटी बोलते हैं। तो यहाँ पर डीबीटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, dbtbharat.gov.in, इसे आपको ओपन कर लेना है। ये सरकारी योजना की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको अब नीचे की तरफ आना होगा और इस पोर्टल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको मैं मेन चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इस वेबसाइट में आते ही आपको अगर इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे एरे को चिन्ह के नीचे देख सकते हैं सिटीजन्स बैंक अकाउंट आधार लिंकिंग स्टेटस है। इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। दिस इज इंटरनल लिंक, यू आर श्योर वेंट टू कंटिन्यू, यहाँ पर आपको ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपने आधार नंबर का डालना है। यहाँ पर आपको नीचे जो आधार नंबर का बॉक्स दिखा रखा है, यहाँ 12 नंबर का आधार नंबर डालना है। तो यहाँ पर मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ। आधार नंबर और इमेज को डालने के बाद यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो हमारे मोबाइल पर आप देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है। ओटीपी यहाँ से आपको कॉपी करना होगा और यहाँ पर आपको ओटीपी वाले बॉक्स में ओटीपी डाल देना है। तो यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है।
और उसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक आधार लिंकिंग स्टेटस है। यहाँ पर अगर आपके कंग्रेचुलेशन लिखा रहा है, आधार बैंक मैपिंग हैज बिन डन शो कर रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। और यहाँ पर आपको अपने आधार के लास्ट 4 डिजिट दिखाए जाते हैं। स्टेटस आपका अगर एक्टिव दिखा रखा तो अच्छी खबर है। अगर आपका यहाँ पर डेट दिखा रखी है और बैंक का नेम दिखा रखा है, तो इसी बैंक में पीएम किसान योजना का पैसा अब आएगा आपका। और यहाँ पर अगर आपकी डेट और फॉर्म एक्टिव दिखा रखा है, यानी आपका स्टेटस एक्टिव दिखा रखा है, तो आप सभी किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर है। तो यहाँ पर आपका जो अकाउंट डिटेल इज़ अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस शो कर रहा है, वो कुछ समय बाद हट जाएगा, क्योंकि अभी आपके फॉर्म की यानी आपके अकाउंट की जांच चल रही है। जांच कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर फिर भी कोई कमी पाई जाती है तो यहाँ पर रिजेक्ट किया जाएगा। इसके लिए आपको SMS भी भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पर रिजेक्ट नहीं होगा, लगभग किसानों का यहाँ पर एक्सेप्ट ही होगा। और आपका पेमेंट मोड जो अभी अकाउंट शो कर रहा है, वो कुछ ही टाइम बाद यहाँ पर आधार हो जाएगा। लेकिन जिन किसान भाइयों का पेमेंट मोड पहले ही आधार हो चुका है और अभी उनका PF हम्स बैंक स्टेटस अकाउंट डिटेल इज अंडर रिवेलिडेशन प्रोसेस विद बैंक शो कर रहा है, उन किसान भाइयों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद अगर यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं आता है, कोई भी सुधार नहीं होता है, एक्सेप्ट नहीं होता है, तो आप सभी किसान भाइयों की बैंक से संबंधित कोई ना कोई समस्या ज़रूर आ चुकी है। ये PFMS बैंक स्टेटस तभी यहाँ पर आपको अपडेट शो करेगा तभी आपकी डिटेल सही होगी। अगर आपकी डिटेल में बैंक से संबंधित कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है, या फिर आपका जो भी DBT का पैसा आना है उस बैंक में कोई भी समस्या होती है, तो वहाँ पर उस स्थिति में यह शो करेगा, या हो सकता है रिजेक्ट हो जाए, या फिर पेंडिंग हो जाए, या फिर यही शो करेगा। तो अगर लंबे समय से इस तरह से दिखा रहे हैं, तो आपको सुधार करवाने की ज़रूरत है। आपको अपने जिस भी बैंक में DBT लिंक है, यानी NPCI का फॉर्म आपने दिया है, NPCI लिंक करा रखा है, या तो उस बैंक को चेंज कीजिएगा, दूसरे बैंक में आप अपना NPCI का फॉर्म देकर DBT लिंक करवाइएगा। अगर आप बैंक चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो आप उसी बैंक में दोबारा से जाकर NPCI लिंक का फॉर्म दें और बोलिएगा कि हमारा DBT का पैसा इसी बैंक में आना चाहिए, हमें DBT लिंक करना है, तो वो आपका DBT लिंक कर देंगे और सरकारी योजनाओं का पैसा उसी बैंक में आएगा। लेकिन ऐसी प्रॉब्लम बहुत कम किसानों को देखने की मिलेगी, थोड़े दिनों में ये एक्सेप्ट हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं घबराएं, निस्फिक्र रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम यहाँ पर आपको PM किसान योजना से रिलेटेड पूरी जानकारी देते रहते हैं। धन्यवाद किसान मित्रों।